नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैद अहमद और लोकतंत्र न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हम आपसे कहें कि जमीन पर बैठे और सोए बगैर आप कितना समय बिता सकते हैं, तो शायद कुछ लोग कुछ घंटे तो कुछ लोग एक या दो दिन तक ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएं जो पिछले 13 वर्षों से आपकी और हमारी भलाई के लिए ऐसी तपस्या कर रहा है कि जमीन पर न सोता है न बैठता है, तो आपको सुनकर आश्चर्य जरूर होगा और आप ऐसे संत के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। तो आइए, हम आपको ऐसे संत से मिला रहे हैं जिसने पिछले 13 वर्षों से न सिर्फ अन्न त्याग दिया है बल्कि जमीन पर सोना और बैठना भी छोड़ दिया है। भारत ऋषि मुनियों का देश है और अलग अलग तरह की तपस्या करने वाले ऋषि मुनि यहाँ पाए जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे संत नारायण दास बाबा से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने आम जन की भलाई के लिए जमीन पर बैठना, सोना और अन्न को त्याग दिया है। बाबा सिर्फ खड़े रहते हैं और खड़े खड़े ही अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। सोने के लिए बाबा झूले का सहारा लेते हैं और झूले पर बैठकर सोते हैं। बाबा अन्न भी पूरी तरह छोड़ चुके हैं और सिर्फ फलों का सेवन करते हैं। और यह तपस्या एक या दो माह से नहीं बल्कि 13 वर्षों से करते आ रहे हैं। बाबा स्वयं कहते हैं कि आमजन की भलाई के लिए मैंने यह निर्णय लिया है। और बाबा फिलहाल नेमावर से 5 माह की पैदल यात्रा पर निकले हैं। बाबा की इस तपस्या के बारे में सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है और लोग उनसे मिलने आते हैं। मैं 4-5 महीने यात्रा पर निकला। ये जो आप झोला बना के झोली जो बना के रखते हो, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ कारण नहीं, परहेज के लिए। जमीन पर सोते नहीं? जमीन पर नहीं। कितना समय हो गया? मेरे को 13 वर्ष हो। तो कोई कारण नहीं, बस कोई कारण नहीं, आम जनों की सुख शांति के लिए जमीन छोड़ दी। तो खाना पीना सब इसी पे करते? खाना पीना नहीं करते, फल फूल खाते हैं। फल फूल खाते? भोजन भी नहीं करते? पूरी पूरी खड़े खड़े करते हैं। मतलब बैठते ही नहीं? नहीं बैठते ही नहीं। बैठे भी नहीं कभी, लेटे भी नहीं? नहीं लेटे भी नहीं, बैठते नहीं। कितने रोज की यात्रा? अभी 5 महीने अभी यात्रा पर। 5 महीने की यात्रा, इसके बाद कहाँ जाएंगे? आश्रम। आश्रम जाओगे? कहाँ पर आश्रम? आश्रम नेमावर। तो वहाँ पर भी खड़े रहते हैं?